हे व्हाट्स अप गाइस, दिस इज अभिषेक और आज के इस वीडियो में मैं लेके आप लोग के लिए पोको X2 का एक अनबॉक्सिंग और एक रिव्यू। जी हाँ, फाइनली मैंने पोको X2 लिया तो नहीं है, बेसिकली मेरे फ्रेंड का ही है, जो कि एक व्लॉग बनाने वाला हूँ अभी के अभी, जो कि आपको मिल जाएगा एक दो दिन में। और उसके पास पोको X2 पड़ा था तो मैंने बोला यार दे दे, मैं वीडियो बना लेता हूँ, क्योंकि पोको X2 का बहुत ही ज़्यादा डिमांड है और बहुत लोग बोल रहे थे कि भाई इसका अनबॉक्सिंग दो, रिव्यू दो। तो आज लेके आ गया हूँ फाइनली इसका अनबॉक्सिंग और एक रिव्यू। तो वीडियो को एंड तक देखना और वीडियो को लाइक ज़रूर से ज़रूर कर देना। तो ये है पोको X2, कुछ इस तरीके से दिखता है बॉक्स। यहाँ पे पोको X2 करके लिखा गया है, यहाँ पे भी देखेंगे तो पोको X2 रियलिटी फ्लोट 120 हर्ट्स यहाँ पे लिखा है, और यहाँ पे भी देखेंगे तो पोको X2 करके ही लिखा है, और यहाँ पे देखेंगे तो ये कुछ यहाँ पे ब्रांड मॉडल नंबर नेट क्वान्टिटी यहाँ पे लिखा गया है, मेड इन इंडिया यहाँ पे लिखा गया है बेसिकली। और बैक साइड देखेंगे तो यहाँ पे कुछ फीचर स्पेसिफिकेशन मेंशन किया गया है, जो कि आप देख सकते हैं, डुअल इन डिस्प्ले, यहाँ पे कैमरा, फ्लैगशिप 64 मेगापिक्सल AI क्वाड कैमरा, कॉलकॉम स्नैपड्रैगन 730G 4500mAh के बैटरी बैकअप के साथ आता है विद 27W अडाप्टर। तो यहाँ पे कुछ दिया गया जो कि आप वीडियो को पॉज करके यहाँ पे पढ़ सकते हैं। फिनिक्स रेड यहाँ पे ये है कलर वेरिएंट, 6GB ऑफ रैम और 128GB स्टोरेज यहाँ पे देखने को मिलता है। चलिए बॉक्स हम क्विकली ओपन करते हैं, यहाँ पे खुल जा सिमसिम और ये हमारा बॉक्स होता है ओपन। अंदर हमको यहाँ पे देखने को मिलता है फ्रेंड्स सबसे पहले बॉक्स, और बॉक्स की बात करूँ तो यहाँ पे इसे मैं ओपन कर लेता हूँ, यहाँ पे सिम पिन देखने को मिलता है और यहाँ पे कुछ पेपर वर्क, सिलिकन का बैक केस कवर देखने को मिलता है जो कि नॉर्मल बैक केस कवर है, तो फिलहाल इसको मैं साइड में रख लेता हूँ। और ये है हमारे पोको भैया, तो पोको भैया को निकाल लेते हैं, देख लीजिए यहाँ पे इसको रैप, और ये पहले से ऑन है यार, सही है बेटा, वैसे मैंने ही ऑन करके रखा है, इसके लिए ऑन है यहाँ पे। तो इसको फिलहाल फ़ोन को साइड में रखते हैं, और बॉक्स के अंदर देखें तो यहाँ पे मिलता है एक केस, एक केबल यहाँ पे देखने को मिलता है जो कि USB केबल यहाँ पे आप देख सकते हैं, नॉर्मल माइक्रो तो नहीं है, बेसिकली टाइप सी यहाँ पे केबल देखने को मिलता है। तो यहाँ पे एक अडाप्टर देखने को मिलता है, अडाप्टर जैसे कि मैंने बता दिया फ्रेंड्स 27W का आउटपुट यहाँ पे देता है ये अडाप्टर, और ओवरऑल बहुत ही बड़ा यहाँ पे अडाप्टर है, बेसिकली है भी क्योंकि बिकॉज जो आउटपुट है वो बहुत ही ज़्यादा है यहाँ पे, क्योंकि फ़ोन को बताया जा रहा है कि यही अडाप्टर आपके फ़ोन को बहुत ही क्विकली चार्ज करेगा। तो फिलहाल एडाप्टर को साइड में रखता हूँ, और ये है मेरा मेन डिवाइस, तो चलिए क्विकली मैं सबको हटा के मैं मेन डिवाइस को यहाँ पे बीच में ले लेता हूँ। तो फ्रेंड्स ये है हमारा फ़ोन पोको X2, यहाँ पे देख लीजिए यार रियलमी X2 का नाम आ रहा है क्योंकि सेम X2 दोनों में लगा दिया है। तो ये है पोको X2 हमारा कुछ इस तरीके से दिखता है। सबसे पहले हम डिवाइस की ओवरव्यू की बात करते हैं, तो यहाँ पे 6.67 इंचेस का आपको यहाँ पे स्क्रीन देखने को मिलता है, IPS पैनल वाला ये स्क्रीन है बेसिकली। यहाँ पे एमोलेड दे सकते थे क्योंकि यार बहुत लोगों को था यार ख्वाहिश की इस पोको के X2 में हमको एमोलेड मिलेगा, बट कोई नहीं, जो IPS पैनल है वो आता है 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ, यानी कि यार जो आपका जो एक्सपीरियंस होने वाला है इन टर्म्स ऑफ UI या फिर परफॉर्मेंस के हिसाब से, वो अगर ऑन पेपर की बात करूँ तो 120 हर्ट्ज के हिसाब से बहुत ही अच्छा रहने वाला है। और यहाँ पे ऊपर की तरफ अगर आप देखेंगे तो फ्रेंड्स हमको यहाँ पे डुअल होल देखने को मिलता है जो कि 20+2 मेगापिक्सल के कैमरा के साथ आता है, देख लो कुछ इस तरीके से यहाँ पे मिलता है डुअल होल 20+2 मेगापिक्सल का, और जो लुक वाइज है इसे थोड़ा सा एलिगेंट यहाँ पे बना देता है। राइट पोर्शन की बात करूँ तो यहाँ पे हमको देखने को मिलता है फ्रेंड्स फिंगरप्रिंट स्कैनर और वॉल्यूम रॉकर्स। जी हाँ, फिंगरप्रिंट स्कैनर इन्होंने यहाँ पे साइड माउंटेड दिया है बेसिकली, वो कैसा है वो मैं थोड़ी देर में आप लोगों को बता देता हूँ। और लेफ्ट पोर्शन की बात करूँ तो यहाँ पे सिम स्लॉट देखने को मिलता है जो कि हाइब्रिड सिम स्लॉट के साथ आता है, यानी कि दो सिम कार्ड या फिर एक सिम कार्ड एक मेमोरी कार्ड आप लगा सकते हैं। टॉप पोर्शन की बात करूँ तो यहाँ पे आयर ब्लास्टर देखने को मिलता है, सेकेंडरी माइक्रोफोन, और एक चीज यार शाओमी की पोको की कह लीजिए बहुत ही अच्छा है कि ये अपने सारे स्मार्टफोन्स में आयर ब्लास्टर देते हैं, जो कि बहुत ज्यादा हैंडी आ जाता है यार, लोगों को लगेगा नहीं बट यार बहुत ज्यादा हैंडी, बहुत ज्यादा यूजफुल हो जाता है। यहाँ पे बात करूँ तो स्पीकर ग्रिल देखने को मिल जाता है, एक प्राइमरी माइक्रोफोन, टाइप सी यहाँ पे पोर्ट चार्जिंग के लिए, और यहाँ पे 3.5mm का हेडफोन जैक देखने को मिलता है। और ये है हमारा बैक साइड से कुछ इस तरीके से दिखता है पोको भैया। तो यहाँ पे 64 मेगापिक्सल का मेन सेंसर, 8 मेगापिक्सल का सेकेंडरी सेंसर, 2 मेगापिक्सल का मैक्रो, 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर देखने को मिलता है। देख लीजिए यहाँ पे लिखा भी गया है 64 मेगापिक्सल AI सुपर कैमरा, और साथ में डिजाइन बाय पोको, और नीचे पोको देखने को मिलता है। ये है फिनिक्स रेड, और बहुत ही अच्छा यार ये देख लीजिए किस तरीके से जो कलर्स निकल के आ रहे हैं वो बहुत ही अच्छे यहाँ पे देखने को मिलते हैं, यानी कि अगर आपको फ्लॉन्ट करना है, शो ऑफ करना है, तो इसके कलर से आप यहाँ पे शो ऑफ भी कर सकते हैं। अब जैसे कि मैंने बताया कि फिंगरप्रिंट सेंसर की बात करते हैं कि कितना क्विक कितना एक्यूरेट है, और जैसे कि मैंने बताया फ्रेंड साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर है, और ये बटन पावर बटन के रूप में भी काम करता है। तो यहाँ पे सबसे पहले इसको बंद करते हैं, और यहाँ पे मैं अपना जो थंब है वो प्लेस करता हूँ, ये देख लीजिए अनलॉक, तो बहुत ज़्यादा फास्ट है और बहुत ज़्यादा क्विक भी है। यहाँ पे देख लीजिए यहाँ पे अनलॉक, यहाँ पे जैसे ही मैं साउंड माउंटेड पे अपना थंब प्लेस कर रहा हूँ, यहाँ पे देख लीजिए ये अनलॉक हो जा रहा है विद इन मतलब सेकंड्स, तो छोड़ दीजिए मिली सेकंड्स ले रहा है,
तुरंत ही जैसे ही मैं प्लेस कर रहा हूँ यहाँ पे अनलॉक, और ऐसा भी नहीं कि मुझे यहाँ पे रखना पड़ रहा है, यहाँ पे बस मुझे टैप और यहाँ पे देख लीजिए अनलॉक। तो ये फिंगरप्रिंट स्कैनर भी बहुत ही क्विक, बहुत ही रिस्पॉन्सिव है। अब बात करते हैं हम फोन के अबाउट सेक्शन की, तो यहाँ पे देखेंगे तो पोको एक्स टू एंड्रॉयड वर्जन हमको यहाँ पे मिलता है 10, जो कि बहुत ही अच्छा है, लेटेस्ट यहाँ पे एंड्रॉयड वर्जन देखने को मिलता है। साथ ही में स्टोरेज की बात करूँ तो 128GB स्टोरेज है अवेलेबल, 79 फिलहाल मैंने यूज़ किया, बट जो स्टोरेज वाला वेरियंट है ये 128GB का है, और जो रैम मैं जैसे बता दीजिए फ्रेंड 6GB का रैम आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। ये देख लीजिए कुछ अबाउट सेक्शन में कुछ इस तरीके से दिखता है यहाँ पे, और ये है जो बोल सकते हैं कि ऐप ड्रावर कुछ इस तरीके से, थोड़ा सा यहाँ पे जो शामी का जो ट्रेडिशनल रहता था उससे हल्का सा यहाँ पे डिफरेंस देखने को मिलेगा, बट यहाँ पे जैसे आप लुक एंड फील वाइज मतलब हाथ में लेंगे, अगर आपने शामी के फ़ोन यूज़ किया है तो आपको यूज़र इंटरफेस से पता चल जाएगा कि ये शामी का ही फ़ोन है। तो ये देख लीजिए कुछ इस तरीके से। अब इसका मैं जो रिफ्रेश रेट है उसको मैं फ्रेंड्स 120Hz पे करता हूँ, और ये ऑलरेडी 120Hz पे देख लीजिए कितना फास्ट है, कितना है देख लीजिए, जैसे मैं ऊपर कर रहा हूँ वैसे ही देख लीजिए कितना स्मूथली यहाँ पे ओपन हो रहा है यहाँ पे सारे के सारे चीज़। तो ये देख लीजिए 120Hz रिफ्रेश रेट, और वहीं मैं अगर इससे 60Hz पे करता हूँ तब देखते हैं कि कितना यहाँ पे जाता है किस तरीके से। तो इसे 60Hz पे करता हूँ, ये देख लीजिए हल्का सा मतलब बहुत ज़्यादा भी आपको मतलब को फ़र्क तो ऑब्वियसली आपको देखने को मिल जाएगा अगर आप इन जनरल यूज़ करेंगे, बट बहुत ज़्यादा ड्रेस्टिकली आप लोगों को कुछ यहाँ पे ऐसा नहीं लगेगा कि यार पूरा ही पूरा अलग हो जा रहा है, आपको माइन्यूट मतलब आपको ऑब्जर्व होगा, आपको थोड़ा सा अच्छा लगेगा कि यार जो फ़ोन है वो बहुत ज़्यादा फास्ट है और बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से यहाँ पे वर्क कर रहा है। देख लीजिए कितने मतलब जैसे आप प्लेस जैसे आप किसी भी आप ऐप ड्रॉअर को यहाँ पे ऊपर करेंगे पुश करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली मतलब आपकी फिंगर के साथ या फिर आपके थंब के साथ ही तुरंत ही मतलब उसी सेकंड उसी टाइम पे यहाँ पे ये ऊपर हो जाता है। तो ये कुछ इस तरीके से यहाँ पे देखने को मिलता है। प्राइसिंग आपको पता ही है, प्राइसिंग मैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, और यहाँ पे यार एक चीज़ तो बहुत ही बोल सकते हैं कि मेजर चीज़ है, कौन कह सकते हैं कि यार ये मिलता ही नहीं है फ्लैश सेल में, और पोको हमेशा शाओमी की पोको की अब तो पोको की भी आदत हो गई है कि भैया उनको घमंड है कि हमारा जो फ़ोन है वो एक मिनट के अंदर, एक मिनट तो छोड़ दीजिए 20 सेकंड के अंदर आउट ऑफ स्टॉक हो जाता है, और वो गर्व से बोलते हैं, बट वैसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि सबको मिलना चाहिए ये फ़ोन। और बेसिकली आज मैंने वीडियो बनाया है, बेसिकली आपको मिल जाएगा आई सेक्शन में, यहाँ पे मैं डाल दूंगा कि आप पोको को एक्स टू को कैसे खरीदें। फ्लिपकार्ट से एक्सक्लूसिव पोको बोलता है, बट ये एक्सक्लूसिव फ्लिपकार्ट पे नहीं, ओएलएक्स पे एक्सक्लूसिव है, ओएलएक्स पे आपको भर भर के जहाँ चाहे वहाँ पे मिल जाएगा, ₹500 एक्स्ट्रा दो और लेके जाओ। अब बात करते हैं कैमरा की कुछ मॉड्यूल्स की, तो यहाँ पे देख लीजिए फोटो वीडियो, वीडियोस की बात करूँ तो यहाँ पे देख लीजिए बहुत सारे मोड्स हमको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं ऊपर की तरफ, और वीडियो की अगर मैं सेटिंग की वीडियो के FPS की बात करूँ तो सेटिंग्स में अगर तो यहाँ पे 1080p तक के वीडियोज़ आप बेसिकली 4K वीडियोज़ तो शूट कर सकते हैं, और 1080p के वीडियोज़ आप 60fps पे यहाँ पे शूट कर सकते हैं। ये देख लीजिए कुछ इस तरीके से 4K 30fps पे जाता है 720p, और यहाँ पे 1080p 30-60fps पे जैसे कि आप चूज़ करें, और यहाँ पे शॉट, और यहाँ पे 64MP के लिए अलग से यहाँ पे देख लीजिए डेडिकेटेड यहाँ पे चीज़ दिया, मतलब एक मेनू दिया गया है, साथ में पोर्ट्रेट अलग है, नाइट मोड अलग है, यानी कि एक ही में आप लोगों को कस्टमाइज़ नहीं दिया गया, हर एक चीज़ के लिए अलग दिया गया। देख लीजिए ये 64MP का मेन सेंसर है, और यहाँ पे ये फोटो, चलिए नॉर्मल फोटो ले लेता हूँ, फिर एक 64MP से लूँगा, ये नॉर्मल और ये यहाँ पे 64MP, तो ये देख लीजिए ये कुछ इस तरीके से है। तो फोटोज़ मैं दिखा दूँ आप लोगों को, तो ये देख लीजिए ये है 64MP का AI कॉर्ड कैमरा, तो बहुत ही क्लियरली विजिबल है, और बैकग्राउंड को इसने ऑटोमेटिकली यहाँ पे बोल सकते हैं कि ब्लर कर दिया है, और ये है नॉर्मल यहाँ पे, तो नॉर्मल में कुछ इस तरीके से यहाँ पे देखने को मिलता है, बहुत ज़्यादा भी फ़र्क नहीं, आपको डे लाइट में फ़र्क देखने को मिल जाएगा 64 और ये और नॉर्मल कैमरा से, बाकी तो देख ही सकते हैं ओवरऑल। फ्रंट कैमरा की यहाँ पे मैं बात करता हूँ कि कुछ किस तरीके से यहाँ पे फ्रंट कैमरा देखने को मिलता है, तो ये देख लीजिए ये मैंने फ्रंट कैमरा ऑन कर लिया है, और सबसे पहले हम बात करते हैं वीडियोस की, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो जो वीडियो है वो फ्रंट कैमरे का जाता है फ्रेंड्स, 1080p 30fps तक के ही वीडियोस को यहाँ पे फ्रंट कैमरा से यहाँ पे ये शूट करता है, और यहाँ पे देख ही सकते हैं कुछ इस तरीके से है। तो फ्रंट कैमरा से एक फ़ोटो निकाल लेता हूँ मैं यहाँ पे, और एक यहाँ पे पोर्ट्रेट में फ्रंट कैमरा से निकाल लेता हूँ क्योंकि डुअल कैमरा के साथ आता है, तो देखते हैं कि कितना अच्छा यहाँ पे बुके इफेक्ट हमको यहाँ पे इसमें मिलता है। तो ये देख लीजिए फ्रंट कैमरा देख लीजिए प्रोसेसिंग हो रहा है, थोड़ा प्रोसेसिंग में टाइम ले रहा है, ठीक है वो नॉर्मल कंडीशन है यहाँ पे, तो ठीक है लाइटिंग थोड़ा सा एज डिटेक्शन में प्रॉब्लम है, बट ओवरऑल अगर देखा जाएगा नॉर्मल हिसाब से तो यहाँ पे जो फोटो है वो बहुत ही अच्छे निकल के आ रहे हैं, कलर्स यहाँ पे नेचुरल प्रोड्यूस हो रहे हैं, ज़्यादा ओवर एक्सपोज, बट जो बोल सकते हैं कि नॉर्मल फोटो लिया गया यहाँ पे कुछ इस तरीके से यहाँ पे देखने को मिलता है। जो बुके जो पोर्ट्रेट मोड से लिया गया है यहाँ पे इस फ्रंट कैमरा से 20+2MP के हिसाब से, जो देखने में लुक एंड फील वाइज में वो बहुत ही अच्छा आपको लोगों को मिल जाएगा ओवरऑल। लो लाइट में देखेंगे किस तरीके से मिलता है परफॉर्मेंस, क्योंकि अभी तक मैंने कैमरा को लो लाइट में यूज़ ही नहीं किया, तो वो मैं अपना
अपना ओपिनियन नहीं दे सकता हूँ, बट ओवरऑल यहाँ पे जो फ़ोन है वो बहुत ही अच्छा लग रहा है। डायरेक्टली सीधे सीधे ये कम्पीट करता है फ्रेंड्स पोको X2 रियलमी के X2 के साथ। तो आप लोग के ऊपर है बेसिकली आपको कौन सा लेना है। फिलहाल तो मार्केट में पोको X2 ही चल रहा है, बट रियलमी X2 भी कम नहीं है। उसका कंपैरिजन बहुत ही जल्द लाने की कोशिश करूँगा। और जैसे कि ओवरऑल यार ये फ़ोन बहुत ही एक बोल सकते हैं कि धमाकेदार फ़ोन शाओमी पोको, शाओमी तो नहीं बोलूँगा, पोको ने लेके आया और किल कर दिया है सारा मार्केट यहाँ पे। क्योंकि अब लोग जैसे कि मैंने बताया ये फ़ोन फ्लिपकार्ट नहीं OLX पे एक्सक्लूसिव हो गया, क्योंकि OLX पे यार ब्लैक मार्क फ्रॉड या फिर बोल सकते हैं कि ब्लैक तरीके से यहाँ पे बिक रहा है। यही है फ्रेंड्स पोको X2 का क्विक अनबॉक्सिंग और एक रिव्यू। आई होप आपको पसंद आया हो। और बैटरी मैंने बता ही दिया 4500 mAh के बैटरी बैकअप के साथ आता है। 27 वॉट के अडाप्टर के साथ फ़ोन को क्विकली यहाँ पे चार्ज करेगा। ये अनबॉक्सिंग और एक रिव्यू, आई होप आपको पसंद आया हो ये अनबॉक्सिंग। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बने टेक चैनल के साथ बोलते रहिए। जय हिंद, पीस आउट।